हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल बत्रा और मैं सोनी पथरियाना से। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी बिटकॉइन के ऊपर पिछले 2-3 साल से। 2017 में बिटकॉइन की वैल्यूएशन जो है 15 लाख रुपए पहुंच चुकी थी। अगर आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको रूबरू करा दूँ, ये बिटकॉइन होता क्या है, किस तरह वर्किंग करता है और क्या चीज़ है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन एक फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, ये लॉन्च हुई थी 2009 में और ये एक बंदे ने लॉन्च करी थी। हालांकि अभी तक कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है कि बिटकॉइन किसने लॉन्च किया है, पर एज़ पर न्यूज़ हमें ये कन्फर्म होता है कि कोई सतोशी नाकोमाटो नाम का बंदा था, उसने ये बिटकॉइन को लॉन्च किया था। तो ये 2009 में लॉन्च हुई थी। जब ये लॉन्च हुई थी तो इसकी वैल्यू लगभग 1.5-2 रुपये के अप्रोक्स थी, $0.003 थी। अगर आप उसको 50 रुपये का डॉलर होता था उस टाइम पर, अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे तो लगभग इसकी वैल्यूशन बैठती है कुछ शायद 98-1-2 रुपये के अप्रोक्स बैठती है। अगर आपने उस टाइम पे एक बिटकॉइन लिया होता तो आज एक बिटकॉइन की वर्थ जो है 5 लाख रुपये है। अगर आपने 10-12-15 लिए होते तो आज आप करोड़पति होते 10-20 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके। तो एक तरह से ये कह सकते हो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आज तक ऐसा इतना ज़्यादा रिटर्न इतने कम समय में किसी भी ने भी नहीं दिया, इवन रियल एस्टेट ने भी नहीं दिया इतना रिटर्न। तो शुरू में काफ़ी लोगों ने इनको ये समझा कि ये मतलब फ्रॉड है, स्कैम है, तो काफ़ी लोगों ने इसी वजह से इसको लिया नहीं। और बाद में जब इसने 2017 में बहुत हाई मारा 15 लाख रुपए का, तो काफ़ी लोगों ने इसको ये फॉलो किया कि ये तो लेने वाली चीज़ थी, मतलब मिस कर दिया हमने इस लाइन को। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि हम इंडिया में रहते हुए RBI ने 2 साल से इसको जो है इस पर पाबंदी लगा रखी थी और इसको इसकी बाइंग और सेलिंग अलाउड नहीं थी इंडिया में। मतलब बाइंग सेलिंग अलाउड थी, पर इसको बाय सेल करने के लिए जो हमें रुपी लगाना पड़ता था वो रुपी बैंक्स के थ्रू डिपॉजिट होता था, तो बैंक्स को RBI ने ऑथराइजेशन हटा रखी थी कि वो ना ले पाएँ पैसे जो है, दे ना पाएँ, ना ले पाएँ, ना दे पाएँ। तो अब 1 मार्च को ये RBI ने, सुप्रीम कोर्ट ने RBI की स्टेटमेंट को अनसोलिस्टिकेटेड कर दिया है और अब जो है बिटकॉइन एक्सचेंज जो है बैंक्स के थ्रू कस्टमर का पैसा ले सकते हैं और उनको विड्रॉल दे सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल चालू हो चुके हैं। और RBI के पास 1 महीने का टाइम था, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक का, कि RBI पिटीशन लगा सकती थी, जो कि नहीं हुआ। तो अब बिटकॉइन आप ये कह सकते हो कि इंडिया की मार्केट में फॉरएवर हो चुके हैं, आप कोई भी ले सकता है, कोई इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बिटकॉइन को लेने में। तो मैं आपको गाइड करता हूँ, हम जो इसकी बाइंग करेंगे बिटकॉइन की, मैं आपको बता देता हूँ इसका A to Z प्रोसेस बता देता हूँ। इसकी बाइंग होगी WazirX के थ्रू, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको देख लेना। चलो मैं अब लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पे अपने फ़ोन की। सो फ्रेंड्स, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र आप खोल सकते हैं अपने इसमें, और ब्राउज़र खोलने के बाद आपको ये टाइप करना है WazirX.com/invite/Z853Z। ये करने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप करके या आप ये डिटेल और ईमेल सारी चीज़ें अपना अकाउंट वेरीफाई करके ईमेल के थ्रू, उसके बाद लॉगिन पेज पे लेके चलता हूँ मैं आपको। जब आप लॉगिन करेंगे अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के, तो ये आपको KYC के लिए कहेगा। हालांकि मेरा अकाउंट तो एक्टिव है, पर आपका अकाउंट शुरू में एक्टिव नहीं होगा, तो आपको KYC करनी पड़ेगी। तो आपको जैसे जैसे ऑप्शन दिखें तो आप उसको फॉलो करते जाना। मैं आपको करंटली मैं अपना एक्टिव अकाउंट दिखाता हूँ कि किस तरह मैं इसमें वर्किंग कर रहा हूँ। OTP आपके मेल पर भी जाता है और आपके मोबाइल फ़ोन पर भी आपको दिखेगा।
अब ये मेरे अकाउंट में लॉगिन हो चुका है। आप इसको USDT में भी कर सकते हैं, BTC में भी कर सकते हैं और INR। तो आपको INR का ऑप्शन सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और इसमें आप रेट देख सकते हैं। BTC का एक बिटकॉइन का रेट 577,500 चल रहा है। यही बिटकॉइन का रेट 2009 में 1-2-3 रुपये हुआ करता था, और आज 577,500 है। ये 15 लाख रुपये भी गया था। और एक ये XRP है, XRP में मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी 2017 में, उस टाइम पे ये 250 रुपये गया था। हालांकि मैं सारे कॉइन बेच नहीं पाया था, कुछ कॉइन मैंने बेच दिए थे, कुछ मुनाफा अच्छा कमाया था मैंने उस समय। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट में, लॉगिन करने के बाद आपको करना है इन 3 लाइनों पे क्लिक करो, फंड्स में जाओ। फंड्स में जाने के बाद आप जो है रुपी का, जैसे ये है रुपी वाले ऑप्शन में जाने के बाद डिपॉजिट पे क्लिक करो। डिपॉजिट करने के बाद सबसे ऊपर वाला ऑप्शन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आप इसमें गूगल पे से भी कर सकते हैं, बीच वाले से आप सिर्फ नेट बैंकिंग से कर सकते हो, और आपको 10 रुपये भी देने पड़ेंगे। तो आप सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो, स्टैंडर्ड वाला। इसमें जो सबसे ऊपर UPI है, इसमें आप गूगल पे में जाके कर सकते हैं पेमेंट ट्रांसफ़र, जैसे WRX@UPI है तो आप इससे कर सकते हैं। अगर आप NEFT RTGS करते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो मैं WX@UPI करूँगा। ये कॉपी कर ली मैंने ID इसकी, उसके बाद मैं जाता हूँ गूगल पे पे। गूगल पे पे आ गया हूँ मैं। गूगल पे पे आपको जाना है ऐसे, और उसमें न्यू पेमेंट में जाइएगा। न्यू पेमेंट में जाने के बाद इसमें आपको सिलेक्ट करना है UPI ID। UPI ID में जाने के बाद आपको ये वो WX ये पेस्ट करनी है, वेरीफाई कर लेनी है। ये जानमाई लैब्स प्राइवेट से आएगा, ओके करके आपको कंटिन्यू कर देना है। और जैसा कि मानो आप 2000 रुपये करते हो ट्रांसफ़र, तो वो करने के बाद यहाँ रिमार्क्स में लिख देना, अपना नाम लिख देना। अब पेमेंट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा, आपको क्या चीज़ वहाँ पे अपलोड करनी है पेमेंट करने के बाद। जब आप पेमेंट कर चुके होंगे तो आपको ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जाना है, और ये जो UPI ट्रांजैक्शन आईडी होती है 12 अंकों की होती है, इसको कॉपी कर लेना है आपको। कॉपी ना कर पाओ तो वैसे मैनुअली ये आईडी उठा के 0075 वाली आपको ये ऐड ट्रांसफ़र डिटेल पे जाके UPI में जाके 0075 2000 रुपये अमाउंट एंटर करके यहाँ पे 0075 वो आगे फॉलो कर देना है आपको, पूरा का पूरा इसको पूरा फॉलो कर देना है, और रिमार्क्स में अपना नाम डाल देना है आपको, और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देखोगे तो पेमेंट आपके वैलेट में आ जाएगी। जैसे 3072 रुपये पड़े हैं, ये तो मेरे पहले से पड़े हैं, हालांकि मैंने पेमेंट नहीं करी, मैंने आपको डेमो दिखाया है। तो इसके अंदर आपका बैलेंस 2000 रुपये ऐड हो जाएगा आधे घंटे के अंदर, ठीक है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने WRX टोकन खरीदे थे उस टाइम पे, खरीदे नहीं थे सॉरी, एक्चुअली मेरे को ये फ्री में मिले थे, मेरे लॉग डाए 1035। ये मेरे धीरे धीरे खुलेंगे, कुछ महीनों के गैप में सारे खुल जाएंगे। इसके अलावा मेरे को शुरू में 135 टोकन मिले थे जो कि अनलॉक्ड थे, और एक टोकन 10-11-12 रुपये का है, तो मेरे को 1300-1400 रुपये का बेनिफिट हुआ था इनकी, इनके जो स्कीम चल रही थी इसमें फ्री टोकन ये शुरू में दे रहे थे अपनी प्रमोशन में 2018 में, तो 1200-1300 रुपये मैंने फ्री के कमाए थे उस टाइम पे। तो मैंने 313 रिप्पल भी ले रखे हैं। तो आप फिर जब आपका बैलेंस दिख जाए तो आप इसमें WazirX बीटा पे क्लिक करिएगा, और इसमें INR पोर्शन सिलेक्ट करके, अगर आपको जो सा भी कॉइन लेना है उस पर क्लिक करके अब आप सबसे नीचे आ जाइए। ये बाय का ऑप्शन है, ये सेल का ऑप्शन है, बाय या सेल। जब आपको बाय करना है तो बाय वाले इसमें ऑप्शन में सिलेक्ट करके अमाउंट कितना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बिटकॉइन ही लेना है, आप 0.005 भी ले सकते हैं, उसकी वैल्यू 2879 रुपये बैठेगी। आपको एक बिटकॉइन में एक छोटा सा उसका अंश मिल जाएगा। ये लेने के बाद आप इसको आपके बैलेंस में दिख जाएगा, जब भी आप इसको सेल करना चाहोगे 0.005 बड़े हुए रेट में, मानो आप करते हो नुकसान में, तो उस हिसाब से आपके वैलेट बैलेंस अप एंड डाउन होता रहेगा। ये आपके जो वैलेट बैलेंस है, फंड्स में जाओगे आप
तो ये वैलेट बैलेंस आपका यहाँ पे BTC दिख जाएगा और यहाँ पे अप डाउन होता रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और अगर आप इसमें कुछ कई बार स्कीम चल रही होती है कंपनी में वो WRX में, तो ये आपको फ्री के कॉइन भी देते हैं बीच बीच में। मेरे पे 1200-1300 कॉइन है, तो आप भी इसको ट्राई करते रहा करो, फॉलो करते मेरे चैनल को फॉलो कर लो, मैं आपको और टेक्निक बताऊंगा कमाने की पैसा।